मंडल आर्ट। मंडल आर्ट जो इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में पॉपुलर है, इसका बेसिकली ओरिजिन भारत में हुआ था। तो चलिए जानते हैं गौरव भारत के एक और गौरवान्वित इतिहास को। वर्ड प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से लिया गया है, जिसका बेसिकली अर्थ सर्कल या सेंटर होता है। मंडल वर्ड का यूज का साक्ष्य सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यह आर्ट काफी पुराना है। सीक्रेट ज्योमेट्री के क्रिएटर चार्ल्स गिलक्रिस्ट के अकॉर्डिंग इस आर्ट का प्रैक्टिस तिब्बत में लगभग 8 सेंचुरी से ही किया जा रहा है। अगर आप कभी बौद्ध मंदिर स्तूप में गए हैं तो वहां आपका परिचय इस आर्ट से हुआ होगा। और बौद्ध मंदिरों में ही नहीं, सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन के धार्मिक स्थलों पर भी यह आर्ट देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा रिलीजियस रीजन से इस आर्ट को सैंड से क्रिएट किया जाता है और आफ्टर फुलफिल्ड द रीजन वो इस आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मंडल आर्ट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बेसिकली सर्कुलर डिजाइन का यूज किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि लाइफ का कभी एंड नहीं होता और ईच एंड एवरीथिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इस आर्ट का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, आज के समय में इसका उपयोग मेडिटेशन पर्पस के लिए भी किया जाता है। वर्तमान समय में इस आर्ट का यूज डेकोरेटिव पीसेस बनाने में, वॉल डेकोरेट करने में, क्लॉथ डिजाइन करने में भी किया जा रहा है। मंडल आर्ट इज सेड टू हेल्प इंक्रीज फोकस एंड पीस ऑफ माइंड। एंड पर्सनली आई फील इट व्हेन आई स्टार्टेड टू ड्रॉ इट। I just thought of practicing it because it looked really attractive. And when I started practicing it, I found myself at peace. I just realized that it's just not a form of art. It's basically a form of meditating. आप कभी depressed feel कर रहे हो या stress हो तो इस art को draw करिए। यह art therapy की तरह work करता है। I hope this video is helpful to get to know about mandala art, and don't forget to like and subscribe.